नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसी रिलायंस और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जादू की। आपको बताएंगे कि गहलोत का जादू आज कहां छाया। दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनहित में कौन कौन से बड़े फैसले किए, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद गहलोत सरकार जनता को और क्या तोहफे दे सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट की, यानी दिखाएंगे आठ से रिलायंस की हर हलचल। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज से रिलायंस में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस ने मिशन 25 पर फोकस कर रखा है। कल राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई दिग्गज नेता दिल्ली में रहे। आज 15 जीआरजी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों के जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन किया गया। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहे। बैठक में लगभग सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर ली गई, मोहर यहां पर लगा दी गई है। अब कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में ही कांग्रेस की लिस्ट का ऐलान हो सकता है। वहीं बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तैयार हैं और कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगेगी। तो वहीं पीसीसी सचिन पायलट ने यह भी कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों को उतारेगी और भारी सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। कल का राहुल जी के कार्यक्रम की सफलता के बाद में उसमें कुछ सीटों के ऊपर में और चर्चा मंथन बाकी था, जिसके बारे में पिछली जो हमारी सीईसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कुछ जानकारियां और मांगी गई थी। उसको बैठ के हमने चर्चा किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम किस प्रकार से, और कुछ लिस्टों के भी हमारे पास में इंतजार था, कुछ जानकारियों की का अभाव था, जो आज हमने पूरा कर लिया। और कल सीईसी के सामने में सभी 25 सीटों के ऊपर में फाइनल मोहर कांग्रेस अध्यक्ष नागौर। देखिए, हमारी मीटिंग लगातार चल रही है और काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। कल हमारी मीटिंग होगी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, और जो भी निर्णय प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने लिए हैं, सब नेताओं से चर्चा जो की है, जो पैनल बना है, उस पर अंतिम चर्चा का दौर कल होगा सीईसी की मीटिंग में। सर, कितने मंत्रियों को चुनाव लड़ा रहे हैं वो सब आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिताऊ, सबसे कर्मठ, सबसे जमीन जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का मौका दे रहे हैं। राहुल जी की इच्छा के अनुसार हम लोग अच्छे नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं, और ये मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। और कल का जो दौरा था राहुल गांधी जी का, गंगानगर का, बूंदी का, जयपुर का, उससे बहुत उत्साह हुआ है। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, हमारी जो स्टेट की इलेक्शन कमेटी है उनके मेम्बर्स से, तमाम लोगों से पिछले कई दिनों से फीडबैक लिया जा रहा है, और शक्ति से जुड़े हुए लोगों से डायरेक्ट हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी की टीम के द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। हमारे जो 51,000 बूथ पे बूथ बीएलए हैं हमारे, उनको जिनको हमने ट्रेंड किया है, उनको भी हमने कनेक्ट किया अपनी वेबसाइट पे, और उनसे भी पूछा जा रहा है। तो जिस ढंग से आम आदमी की रायशुमारी ली जा रही है कांग्रेस पार्टी में, मैं समझता हूँ अच्छे उम्मीदवार आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो नए चेयर। पब्लिसिटी कमेटी की मीटिंग थी, पब्लिसिटी के बारे में विचार हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रचार कमेटी के हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भाई रघु शर्मा जी, हम सब लोग मिलकर बैठे। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन लिया, हमारा चुनाव प्रचार कैसे हो, इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से हमारा मंथन हुआ है, जो आगे भी चलेगा। और जिस प्रकार का हमारा प्रचार होगा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रचार हमारे उम्मीदवारों को जिताने में सहायक होगा। हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को एक और अखंड रखने के लिए और देश की मोदी सरकार को बदलने के लिए हमारा प्रचार होगा। आज इसी बारे में हमारी सारी बातें होगी। आगे बढ़ने, प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में 100 दिन पूरे कर लिए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले गहलोत ने कई बड़े फैसले किए, जो राजस्थान के विकास यात्रा में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। किसान कर्ज माफी से लेकर महिलाओं को 33% आरक्षण तक का संकल्प लिया गया।
खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने स्तर पर सभी फैसलों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पेश है सरकार के 100 दिन की तस्वीर, ये रिपोर्ट देखिए। अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़े फैसले लिए जो राजस्थान की विकास यात्रा में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। किसान कर्ज माफी से लेकर महिलाओं को 33% आरक्षण तक का संकल्प लिया गया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी फैसलों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था राहुल गांधी जी ने, 3,500 रुपए पहले 600 रुपए मिलते थे, 3,500 रुपए 600 रुपए की बजाय 2 साल तक वो स्कीम भी मैंने शुरू करी थी, सुनिए आप, जब मैं पहले मुख्यमंत्री था पिछली बार, तब मैंने 600 रुपए से शुरुआत करी थी बेरोजगारी भत्ते के रूप में, युवाओं को प्रोत्साहन के रूप में। अब हमने मैनिफेस्टो में कहा है 600 की बजाय 3,500 में देंगे। इन 100 दिनों में गहलोत सरकार के कार्यों की बात करें तो गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण का बिल पारित कराया गया। सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रस्ताव भी पास किया गया। महिलाओं को 33% आरक्षण का संकल्प विधानसभा में पास किया गया। अध्यादेश के जरिए लोकायुक्त का कार्यकाल 8 साल से घटाकर 5 साल किया गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1,000 पदों पर सीधी भर्ती का फैसला किया गया। 11,000 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की गई। तो जयपुर में गौ रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अटल सेवा केंद्रों का नाम फिर से राजीव गांधी सेवा केंद्र करने का फैसला किया। भाजपा राज में बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला हुआ। विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। सरकारी कॉलेज में बेटियों को मुफ्त शिक्षा का फैसला हुआ। इस फैसले से 2,30,000 बेटियां लाभान्वित होंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की फिर से शुरुआत हुई तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की फिर से शुरुआत की गई। स्काउट आवासीय विद्यालय पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, गहलोत ने इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया। जिला स्तर पर RAC सेंटर की स्थापना का फैसला हुआ। कॉलेजेस में गुणवत्ता प्रबंधन और नियमित मॉनिटरिंग के लिए एनुअल ऑडिटिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जनजाति क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित 50 सामुदायिक जलोत्थान परियोजनाएं शुरू की जाएगी। इससे 1,800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बेणेश्वर धाम के विकास के लिए बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड गठित होगा। आपदा प्रबंधन में सहायता राशि सीधे बैंक खाते में देने की घोषणा हुई। 31 मार्च तक संवत 2075 के सूखे से प्रभावित किसान लाभान्वित होंगे। जयपुर उदयपुर जोधपुर बीकानेर में राजकीय औषधीय परीक्षण प्रयोगशाला बनेगी। कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए नीति बनाने पर भी काम शुरू हुआ। 9,874 ग्राम पंचायतों के लिए विशेष काम स्वीकृत किए गए। इन गांवों में एक चारा का विकास, सामुदायिक जलाशय विकास, खेल मैदान, रोडवेज ड्रेनेज के कार्य स्वीकृत किए गए। पंचायत स्तर पर फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया गया। इस साल तक 20,000 वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने पर इनक्यूबेटर्स में सीटों की संख्या अब 1,000 से बढ़ाकर 2,000 की जा रही है। इंदिरा गांधी फीडर के जीर्णोद्धार के लिए 812 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। किसानों को टेल तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वानिकी और जैव विविधता बढ़ाने के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। 5 साल तक किसानों की बिजली दरें नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया। पुलवामा के बाद शहीदों के परिजनों को सहायता पैकेज में बढ़ोतरी का फैसला हुआ। शहीदों के परिजनों को 50 लाख रुपए तक की नकद राशि मिलेगी। तो वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सराड़ा और पीपलखूंट में 4 नए आवासीय स्कूल खोलने का फैसला किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद जब आचार संहिता हट जाएगी तब और कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को बड़ा तोहफा देते हुए ये फैसला भी किया कि 3 साल तक उनको उद्योग लगाने के लिए किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इस घोषणा को अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करने जा रही है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट।
वहीं मंगलवार को अपने सियासी कौशल से जयपुर में राहुल गांधी के सामने कांग्रेस का कुनबा बढ़ाने वाले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का जादुई सिलसिला दिल्ली में भी जारी रहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम अशोक गहलोत अपनी भाषण कला को लेकर इस वक्त देश के शीर्ष नेताओं में शामिल है। अशोक गहलोत के भाषणों का जादुई असर सुनने वाले पर काफी देर तक रहता है। वो हर सभा या सम्मेलन में कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसे ही शब्द कहे, मौका था दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की ओबीसी सम्मेलन का। इस सम्मेलन में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कांग्रेस की ओर से ओबीसी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गजों ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बेरोजगारी को देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया, साथ ही राफेल को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहले नंबर पे बेरोजगारी। देश में हर प्रदेश में युवा रोजगार ढूंढ रहा है। जहां भी जाओ युवा से पूछो, भैया क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे नरेंद्र मोदी जी और उनके 15-20 मित्रों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। वहीं ओबीसी सम्मेलन को जब मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित किया तो माहौल कुछ अलग ही नजर आया। यहां गहलोत ने फिर एक बार अपने शब्दों का जादू चलाते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 100 विधायक हैं, लेकिन ओबीसी से उनकी जाति के एकमात्र विधायक हैं। लेकिन इसके बावजूद जनता के प्यार ने उन्हें तीसरी बार सीएम बनाया है। साथ ही गहलोत ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। चुनाव हमारे सामने बड़ी चुनौती है, देश के सामने खतरे हैं, लोकतंत्र खुद खतरे में है। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, और उसके बाद में उसके नाम पे कभी राजनीति नहीं करी। खालिस्तान बनने की बात हो रही थी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी खुद की जान दे दी, उसके नाम पे कोई राजनीति कांग्रेस ने नहीं करी। मुझे ऐसे आदमी को आज मुख्यमंत्री तीसरी बार बनने का मौका मिल गया। मैं केंद्रीय मंत्री रहा 3 बार, 5 बार MP बना, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, 2 बार AIC महामंत्री बना, और आज मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने बनाया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ओबीसी का आदमी, आपको शायद कहना चाहूँगा मैं, विधानसभा में हमारे 100 सदस्य हैं और ओबीसी का मैं और जाति का मैं अकेला मेंबर हूँ, वहाँ पर अकेला मेंबर हूँ मैं, तभी मुख्यमंत्री हूँ। अशोक गहलोत ने बताया कि राजनीति में सफल होने के लिए कोई बड़ा बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, बस कार्यकर्ता को पूरी ईमानदारी से अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी और जनता के बीच की गई मेहनत ही ऐसी चीजें हैं जिनके दम पर उन्होंने खुद कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसके अलावा कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत ने मोदी पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। आइए आपको सुनाते हैं सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से हमले किए हैं, जरा सुनिए। चुनाव हमारे सामने बड़ी चुनौती है, देश के सामने खतरे हैं, लोकतंत्र खुद खतरे में है। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, और उसके बाद में उसके नाम पे कभी राजनीति नहीं करी। खालिस्तान बनने की बात हो रही थी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, अपनी खुद की जान दे दी, उसके नाम पे कोई राजनीति कांग्रेस ने नहीं करी। आज समय बदल गया है, ऐसे लोग आके बैठ गए हैं जिनकी सोच क्या है
जिनका नाम लोकतंत्र में यकीन है, खाली कभी गौ माता के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, और राम मंदिर भी याद आता है इनको, चुनाव के अंदर याद आता है। जनता सब समझ चुकी है इनकी चालों को, इनके जुमलों को, इनके असत्य बोलने की बातों को। इन बातों को ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा, किस दिशा में देश जा रहा है, किस दिशा में हम लोग जाना चाहते हैं। हमारा रास्ता सत्य का रास्ता है। राहुल गांधी जी कहते हैं घृणा मत करो, नफरत मत करो, राजनीति है हमारी, अदावत किसी से नहीं है, ना बीजेपी से, ना आरएसएस से। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा हमारी नीति है, कार्यक्रम सिद्धांत जो महात्मा गांधी के दिए हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने के हैं, सरदार पटेल के जमाने के हैं, मौलाना आजाद के जमाने के हैं, और अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया था उस जमाने से आज देश में लोकतंत्र कायम रहा है। पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं हुआ यहाँ पर। मुझे ऐसे आदमी को आज मुख्यमंत्री तीसरी बार बनने का मौका मिल गया। मैं केंद्रीय मंत्री रहा 3 बार, 5 बार MP बना, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, 2 बार AIC महामंत्री बना, और आज मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने बनाया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ओबीसी का आदमी, आपको शायद कहना चाहूँगा मैं, विधानसभा में हमारे 100 सदस्य हैं, और ओबीसी का मैं और जाति का मैं अकेला मेंबर हूँ वहाँ पर, अकेला मेंबर हूँ मैं, तभी मुख्यमंत्री हूँ। ये दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो सियासी जादू है जो कांग्रेस को न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी मजबूती प्रदान कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर किस तरीके से सक्रिय नजर आए, यानी कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी किस तरीके से दिखाई दी। जल्द हाजिर हो। आपका स्वागत है आर्ट सिविल लाइंस में। अब हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। शुरुआत करते हैं ट्विटर के साथ। ट्विटर पर क्या कुछ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किए हैं। लगभग 9 घंटे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इस दौरान लिखा कि वेल डन DRDO, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर वर्क। लेकिन इसके नीचे जो लिखा वहीं से सियासत शुरू हुई, क्योंकि इसके नीचे राहुल गांधी लिखते हैं आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश द PM अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे। तंज यहां पर कसा गया है प्रधानमंत्री पर, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के इस ट्वीट को अपनी वॉल पर लिया है। 16,000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, 58,000 लोगों ने लाइक किया, 13,000 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इसे नीचे आइए, कांग्रेस की वॉल से ट्वीट हुआ और उसको प्रधानमंत्री ने अपनी वॉल पर दिया, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी वॉल पर दिया, और यहां पर लिखा हुआ है राहुल गांधी एड्रेस नेशनल कन्वेंशन ऑफ AICC ओबीसी डिपार्टमेंट एट न्यू दिल्ली। दरअसल आज राष्ट्रीय अधिवेशन था ओबीसी विभाग का, और इस दौरान मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। 1100 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है, 3100 लोगों ने लाइक किया है, 258 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इसे नीचे जरा ये लगभग 10 घंटे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ट्विटर वॉल से ट्वीट होता है, और इस दौरान DRDO के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद यहां पर दी जाती है मिशन शक्ति के सफल होने पर। 685 लोगों ने इसको भी रीट्वीट किया है। फेसबुक वॉल आपको दिखाते हैं कि फेसबुक वॉल पर आज क्या कुछ खास रहा है, आज क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। सबसे पहले जरा देखिए, 4 घंटे पहले, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी को राहुल गांधी का स्वागत करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि ओबीसी प्रकोष्ठ की जो ये मीटिंग रखी गई है, आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव हमारे सामने हैं, राहुल गांधी कितने व्यस्त रहेंगे उसका अंदाजा हम सबको है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी जी का जो आपके प्रति विश्वास है, आप में लगाव है, उसके बारे में प्रतिबद्धता है, शुक्रिया अदा यहां पर किया गया है। इस पर 886 लोगों ने कमेंट किया, 163 लोगों ने इसको शेयर किया है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ट्विटर और फेसबुक वॉल, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी, और इसके साथ साथ किस तरीके से वो जनता से